पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सरजामता के ग्रामीणों को क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने स्टेडियम की सौगात दी है। 3 करोड़ की लागत से बहुत जल्द स्टेडियम आम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ग्रामीणों की मौजूदगी में क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने सरजामता AGL मैदान में स्टेडियम का शिलान्यास किया। शिलान्यास से पूर्व सरजामता के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक मंगल कालिंदी का स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण एकत्रित होकर इस शिलान्यास कार्यक्रम का गवाह बने। शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि 60 वर्षों से ग्रामीण इस स्टेडियम के लिए परेशान थे, आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कितने जनप्रतिनिधि आए और गए, पर ग्रामीणों की मांग की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। 3 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम खेल से संबंधित हर सुविधा से लैस होगा। बहुत सारे लोग इस पर राजनीति करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जनता के बीच में आए हैं, अब सेवक बनकर तो जनता का काम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लीगल तरीके से जो है जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। चलो भाई ठीक है, लेकिन तो जो भी विकास का काम हो रहा है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते यहाँ की जो जनता की बात है उसको हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करने का काम करते हैं। इसी पहल पर आज जो है 60 साल पुराना मांग जो यहाँ में स्टेडियम का ये पूरा होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात। स्टेडियम में क्या कुछ सुविधाएँ जो है मिलेगी? स्टेडियम में ये सारे सुविधा रहेंगे, जो इस्टीमेंट बना है इस्टीमेंट के आधार पर जो जो बनना है वो सारा चीज़। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अब तो देखिए जो कॉन्ट्रेक्टर है काम कर रहा है वो जितना जल्दी बना दें। समय सीमा क्या है? अरे समय सीमा 3 करोड़ का लागत का काम है, 3 दिन में तो नहीं बनेगा ना। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।